असम में काल बनी बारिश और बाढ़ से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि असम राज्य आपदा प्रबंधन के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। आपको बता दें कि असम में अभी भी 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बुधवार को 32 जिले बाढ़ की चपेट में थे। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। असम में 45 लाख से ज्यादा की आबादी अभी भी बाढ़ की चपेट में है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां और दूसरी सहायक नदियां उफान पर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी घटा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मई के मध्य में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 108 पहुंच गई है। हवाई संरक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की और टुकड़ियां सिलचर भेजी जाएंगी। बाढ़ से बरपेटा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां 10,32,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बात कामरूप और नागांव की करें तो यहाँ 4,29,000 से ज्यादा, जबकि धुबरी में 3,99,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच बाढ़ की वजह से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां एक हफ्ते पहले घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि असम में बाढ़ ने 173 सड़कें और 20 पुलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि बक्सा और दारांग जिले में दो दो तटबांध टूट चुके हैं। बाढ़ के कारण 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा का फसल क्षेत्र पानी में डूब गया है। बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोगाई गांव, चिरांग और धुबरी जिले में बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव होने की खबरें आई।